शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। शिमला समुद्र तल से 2202 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान का शिमला जिला 1972 में निर्मित किया गया था। इस जगह का नाम माँ काली के दूसरे नाम श्यामला से व्युत्पन्न हुआ है। 11 मई 1921 को यहाँ महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय पर भी आए थे। शिमला अनुपम खेर, प्रेम चोपड़ा, बलराज सहनी और प्रिया राजवंश जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों की जन्मभूमि है। शिमला को हमारे देश के सबसे जवा और युवा शहर के तौर पर शुमार किया जाता है। यहाँ की 55% जनसंख्या 16 से 55 के बीच की है, बाकी के छोटे से 16 से छोटे हैं। शिमला की पहली सड़क 1828 में बनी थी, जिसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। शिमला का BCS स्कूल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। शिमला की युवा पीढ़ी के बीच टैटुओं का जबरदस्त क्रेज है। पूरे शिमला में आपको ऐसे कई टैटू आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो आपको मन माफिक डिजाइंस बना देते हैं। शिमला समझौते के तहत तिब्बत को स्वतंत्र गणराज्य की मान्यता प्रदान की गई थी। यह समझौता 1814 में हुआ था। शिमला प्राचीन विरासत इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्रिटिश वास्तुकला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। संजौली की कब्रगाह में एक पतली सड़क है जो आत्महत्या हेतु समर्पित है। यहाँ के आनंददेल ग्राउंड में 1888 के दौरान डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। यहाँ के रिज का उत्तरी स्लोप धस रहा है। यहाँ का ग्रैंड होटल वेस्ट लक्कड़ बाजार नीचे की ओर जा रहा है। शिमला में सिर्फ 187 इमारतें ही ऐसी हैं जो 5 माले से ऊंची हैं। शिमला सिज़िमक दाब के 4वीं श्रेणी में आता है। यहाँ के अधिकारियों की माने तो शिमला में 2% इमारतें भी ऐसी नहीं हैं जो भारी भूकंप को सहन कर पाएं। यहाँ लाखों लोगों का बसेरा है, जिसे सिर्फ 16,000 की संख्या तक लोगों को रहने हेतु बनाया गया। नाथूराम गोडसे का ट्रायल यहीं चला था, जिसे आज पीटर हॉफ होटल के तौर पर जाना जाता है। आधी रात के बाद आपको शिमला में किसी स्थान पर खाना नहीं मिलेगा। यहाँ आप कोई ऐसी जगह नहीं पाएंगे जहाँ आपको 24 घंटे खाने पीने की चीज़ें मिल सकें। यहाँ का गोरखा द्वार दरअसल गोरखाओं के सम्मान में बनाया गया था, जब वे ब्रिटिश सेना की ओर से जाँबाजी से लड़कर वापस लौटे थे। अंग्रेजों से पहले शिमला के क्षेत्र पर नेपाल का शासन चला करता था। यहाँ के विश्व प्रसिद्ध जाखू मंदिर को लेकर लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी हनुमान रुके थे और वहाँ उनके कदमों की छाप देखी जा सकती है। ऑकलैंड हाउस स्कूल भारत का एकमात्र ऐसा गर्ल्स स्कूल है जहाँ स्कूबा डाइविंग की भी सुविधा है। शिमला 7 चोटियों पर स्थित है। कालका शिमला रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर है। तो ये थी शिमला शहर के विषय में रोचक जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।